हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आ चुका हूं। तो आज हम थोड़ी इंडियन बॉडी बिल्डिंग और जो ओलंपिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल भी देख ही लिया होगा, इसी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो रहने वाली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको आज वीडियो के अंदर बताऊंगा जो भी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट जो हमारी आ रही है वो अमित आगरे भाई की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि अमित आगरे भाई इस साल ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो चुके थे। आपको पता है कि हम सब कितना उनका वेट कर रहे थे कि वो ओलंपिया स्टेज पर जाएं और कब हम उनको देखें, कि भाई हर इंडियन के लिए एक प्राउड फीलिंग वाली बात है कि इंडिया का नाम रोशन करें इतने बड़े स्टेज पर, जो लोगों का ड्रीम स्टेज है। वही भाई मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अमित आगरे भाई इस साल ओलंपिया के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बार अपना वीज़ा अप्लाई के लिए वहाँ पे किया पर बार बार रिजेक्ट हो गया है। तो काफ़ी सैड न्यूज़ है हम सबके लिए। पर अभी अमित आगरे भाई फिर से अपनी फिजिक अपडेट हमें दिखा रहे हैं। लगता है कि फिर से कोई ना कोई जो पास में हमारे कॉम्पिटिशन है खेलने वाले हैं। मुझे तो लगता है वो मुंबई प्रो शो के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं भाई, इनके एप्स, इनके साइट्स कितने बढ़िया कंडीशन में लग रहे हैं। वहीं इनके आप शोल्डर देखें, काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स ने इनको कहा था कि इनकी वेस्ट बहुत बड़ी है, तो आप इनकी वेस्ट भी देख सकते हैं भाई। इन्होंने करारा जवाब दिया है अपनी कंडीशन को दिखा के, कितनी बढ़िया कंडीशन ये ओलंपिया स्टेज पर लेकर जाने वाले थे। वहीं आप इनके शोल्डर के अंदर फाइबर देख सकते हैं, फुलनेस देख सकते हैं। इस बार ओलंपिया स्टेज पर अमित आगरे भाई 100% कुछ ना कुछ कमाल तो करते ही करते, अच्छी प्लेसिंग अपनी डिजर्व करते थे। पर कोई बात नहीं, भगवान ने जो चाह रखा है वही इंसान के साथ होता है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी कोई फिर से कॉम्पिटिशन खेलें और फिर से ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करें। अभी मुझे अमित आगरे भाई की नेक्स्ट कॉम्पिटिशन की अपडेट मिलेगी तो मैं ज़रूर अपने चैनल पर आपको अपडेट दे दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी मुझे लगता है कि वो मुंबई प्रो शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अपडेट है हमारी वन एंड ओनली ओमर बहमेस्त्र की। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा 2024 के अंदर जिन्होंने ओलंपिया क्वालिफाई किया है मैन फिजिक कैटेगरी में, जो इंडियन एथलीट हैं वो इन्होंने ही क्वालिफाई किया है और इनका वीज़ा भी कन्फर्म हो चुका है और ये US जा भी चुके हैं। तो भाइयों, अपनी बेस्ट विशेज इनके साथ ज़रूर रखें और भाइयों इनको जाकर फॉलो करें, क्योंकि इन भाई के फॉलोवर भी बहुत ज़्यादा कम है, 13K फॉलोवर्स हैं। आजकल छपरी लोगों के इतने फॉलोवर्स हो जाते हैं, तो भाई ये तो डिजर्विंग एथलीट हैं, इनका तो मिलियन से फॉलोवर्स होना बनता ही है। वहीं आप इनकी फिजिक अपडेट देख सकते हो, कितनी अच्छी कंडीशन में ये लग रहे हैं, कितने रिप्ड, कितनी अच्छी फॉर्म इनकी, काफ़ी अच्छा पैकेज है इस बार लेकर आने वाले हैं अपना ओलंपिया स्टेज पर। बाकी ओमर सर तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम सबको पता ही है। बाकी हम सबकी विशेष भी इनके साथ हैं, इस बार टॉप 10 तो जरूर क्रैक करें और इंडिया का नाम रोशन करें। काफ़ी अच्छी फिजिक है, काफ़ी सारी अपडेट्स भी अपने चैनल पर ही जाकर दे रहे हैं, फिजिक अपडेट भी दे रहे हैं, आपको बॉडी बिल्डिंग टिप्स भी बता रहे हैं। तो भाइयों, आप जिनको जाकर जरूर फॉलो करें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बाकी नेक्स्ट अपडेट है हमारी को तो आप देखते ही पहचान गए होंगे। तो भाइयों, जो भाई नहीं जानते इनके बारे में बता देता हूँ कि इनका नाम है इंडियन क्वाइटजिला। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं इस बार, ये इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, काफ़ी सारे ओलंपियस ने भी इनकी बात करी है। काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव लेग्स हैं इनके, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडिया के अंदर इस लेवल के साइज़ वाला क्वाइट्स कोई वाला बंदा होगा। चलो बाकी ये तो बात की बात है, पर सबसे पहले जो अपडेट इनकी साइड से आई है कि इन्होंने IFBB का प्रो कार्ड ले लिया है, जो आर्नोल्ड क्लासिक की क्वालिफिकेशन दे रहा था। तो भाइयों, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, वहाँ की फर्स्ट प्लेसिंग आई है। इस बार ये आर्नोल्ड क्लासिक खेलने जा रहे हैं, तो काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे इंडियन एथलीट बाहर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं इंडिया का। बाकी नेक्स्ट अपडेट जिनकी आ रही है उनका नाम है IFBB प्रो सुमित गिल की तरफ से। तो भाई सुमित गिल भाई भी इस बार मुंबई प्रो शो के अंदर खेलने वाले हैं और काफ़ी अपनी बैक इंप्रूवमेंट्स पर लगे हुए हैं, काफ़ी बैक टू बैक अपनी फिजिक अपडेट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो वहीं आप इनकी ट्रेनिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी अलग तरह की ट्रेनिंग करते हैं। वहीं अब आपको मैं इनकी अभी कंडीशन भी दिखाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी कंडीशन लग रही है, मुझे लगता है इस बार ये ओलंपिया क्वालिफाई कर लेंगे। वहीं सुमित गिल भाई ने भी ये कहा है कि मैं ओलंपिया क्वालिफाई तो करूँगा इस साल, पर मेरी सेकेंड प्लेसिंग से नीचे नहीं गिरने वाली। आपको क्या लगता है, मुझे इनकी कंडीशन देखकर कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आप इनकी फिजिक देख सकते हैं कि भाई कितने फुलर और कितने शेडेड लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज ये लेकर आने वाले हैं इस बार मुंबई प्रो शो के अंदर। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि सुमित गिल भाई इस बार जरूर अपना ओलंपिया क्वालिफाई करें, हमारी बेस्ट विशेज इनके साथ हैं। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, बार फोन मेरा कुछ ज़्यादा हैंग हो रहा है जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग।